While many Bollywood celebrities like Shahid Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Anushka Sahrma supported Prime Minister Narendra Modi's demonetization move, controversy queen Rakhi Sawant too had something to say. The actress was present at the launch of her new web series Rakhi in Khaki on Tuesday. When asked about her take on demonetization, this is how she reacted. बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ दिल से कि हमेशा हर कोई कहता था, देश का बच्चा बच्चा कहता था कि काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, करप्शन कब खत्म होगा. तो अच्छी बात है मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है. हाँ, डेफिनेटली सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो हर चीज के लिए जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए तकलीफ होती है. 50 दिन दिए हैं और 50 दिन में पूरा काला धन गायब हो जाएगा और करप्शन भी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और 50 दिन में हिंदुस्तान की जनता बहुत ही उनके अच्छे दिन आने वाला है. और जब जैसे उन्होंने कहा था, कोई चमचागिरी मैं कभी जिंदगी में किसी की चमचागिरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है. बहुत दुख है कि कुछ लोग जो है एक्सपायर हो गए हैं लाइन में खड़े हो के, बहुत दुख है इस बात का. लेकिन मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है. On the world front, Rakhi was last seen in Ek Kahani Julie Ki.